हाय फ्रेंड्स, आज बात करेंगे लेसन प्लानिंग के बहुत क्रूशियल एस्पेक्ट के बारे में, दैट इज राइटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। वी हैव डिस्कस अबाउट ऑल द स्टेप्स ऑफ लेसन प्लानिंग इन अवर प्रीवियस वीडियो। यू कैन चेक आउट दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन। लेट्स क्विकली टॉक अबाउट गोल्स। गोल्स को समझने के लिए सबसे पहले देखते हैं गोल्स होते क्या हैं। गोल्स वो ब्रॉड आउटकम्स होती हैं जो हम अपने स्टूडेंट से अचीव कराना चाहते हैं जब हमारा लेसन डिलीवर हो गया होता है। गोल्स डिटरमिन करते हैं हमारा अल्टीमेट एम क्या होगा लेसन का, बट गोल डजंट टेल अस अबाउट हाउ, व्हाट, वेयर एंड व्हेन एंड व्हाई ऑफ द लेसन। फॉर एग्जांपल, टू लर्न द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ए गोल, but it doesn't tell us about the how to learn the process of photosynthesis, why to learn the process of photosynthesis, when to learn the process of photosynthesis, and what of the process of the photosynthesis we have to learn. Let's talk about objectives now. So objectives kya hote hain? Objectives breakdown components hote hain goals ke, और ऑब्जेक्टिव्स का बहुत ही नैरो स्कोप होता है। और ऑब्जेक्टिव्स क्या करते हैं? टेंजिबल स्टेप्स और एक्शंस बताते हैं कि गोल्स को कैसे अचीव करना है। तो हम ये मान सकते हैं गोल वो चीज है जो हमें बताता है व्हाट इज टू बी अचीव्ड, एंड ऑब्जेक्टिव्स वो है जो हमें बताते हैं कि उनको कैसे अचीव करना है। Objectives are characterized as SMART: S for specific, M for measurable, A for achievable, R for relevant, and T for time bound. Specific से हमारा मतलब है objectives बच्चे को समझ आने चाहिए और teacher उसको observe कर सके, ऐसे होने चाहिए। और objective हमें ये भी बताएं कि classroom में कब, कहाँ, कैसे करना है। मेजरेबल से हमारा मतलब है कि ऑब्जेक्टिव्स जो हो वो इवेल्युएट हो सके, ऐसे ऑब्जेक्टिव्स कभी भी सेट ना हो जो हम बाद में इवेल्युएट ही ना कर पाए। अचीवेबल से हमारा मतलब है स्टूडेंट्स आर एकेडमिकली रेडी फॉर इट। हम कोई ऐसे ऑब्जेक्टिव्स ना रखें जिसके लिए बच्चा रेडी ही नहीं है। मतलब हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में बच्चे को नहीं पढ़ा सकते अगर उसको लीव के बारे में नहीं पता है। रेलिवेंट से हमारा मतलब है कि ऑब्जेक्टिव्स बच्चे की प्रीवियस नॉलेज पे बिल्ड होने चाहिए और वो लार्जर आइडिया से रिलेट करने चाहिए। मतलब जो चीजें बच्चा अपने इर्द गिर्द ऑब्जर्व कर सकता है उन्हीं से रिलेट करने चाहिए। और ऑब्जेक्टिव बच्चे को स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मतलब जब लास्ट में जो फाइनल एग्जाम्स होते हैं तो उसमें बच्चा उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करके कुछ लिख पाए। ऐसा ना हो कि हम ऐसा कुछ पढ़ा दें जो बच्चा बाद में उसका कोई यूज ना हो। देन टाइम बाउंड। टाइम बाउंड का मतलब है कि हमें हमेशा इनफ टाइम सेट करना है, लेकिन इनफ टाइम से हमारा ये मतलब नहीं है कि हम कभी भी कोई असाइन डेट ही ना रखें। सो इनफ टाइम देना भी जरूरी है और एक असाइन डेट सेट करना भी जरूरी है ताकि हमें पता चल सके कि अब ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो गए हैं, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। Just learn to write smart objectives. Wondering how? Don't worry, Benjamin Bloom is here with his top-notch taxonomy. Created by Benjamin Bloom in 1950s, Bloom's taxonomy is a way of classifying learning objectives. ये हमें हेल्प करता है लर्निंग एक्सपीरियंसेस को डिजाइन करने में बाय डिटरमाइनिंग व्हाट वी वांट अवर स्टूडेंट टू डू विद द इंफॉर्मेशन आफ्टर द क्लास इज ओवर। फॉर एग्जांपल, हम अपने स्टूडेंट से सिंपली इंफॉर्मेशन को याद कराना चाहते हैं या उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कुछ क्रिएट कराना चाहते हैं। Bloom simply classifies various cognitive skills and thought processes that student uses when learning. It ranks these abilities in ascending order from simplest to most complex. Let's dive into the various cognitive levels that Bloom talks about.
So the first level of cognitive skill that comes in the Bloom's taxonomy is remember. ये सबसे simplest level है जहाँ हम पहले information को जब सुनते हैं तो उसको simply याद करते हैं. Then comes understanding. अब हमने याद कर लिया है तो हम उसको क्या करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं. तीसरी चीज आती है अप्लाई. तो अप्लाई अब क्या है कि अब हमने इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कर लिया है तो अब हम उसको डिफरेंट सिचुएशन में इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे. देन कम्स द एनालाइज. एनालाइज का मतलब है कि अब हम उसको क्या करेंगे, अपने दूसरी इंफॉर्मेशन के साथ कनेक्शन बिठाएंगे. जो हमारे पास पहले से इंफॉर्मेशन है उसके साथ उसको कनेक्ट करेंगे ताकि हम उसको क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे अपने आइडियाज के साथ. देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे. फिफ्थ लेवल इज इवेल्युएट. अब हम क्या करेंगे, अब हमने उसको एनालाइज कर लिया है, उसको अपनी दूसरी इंफॉर्मेशन के साथ कनेक्ट करके देखा है, चेक करके देखा है, तो हम इवेल्युएट करके ये जानेंगे कि वो इंफॉर्मेशन जो थी वो सही थी या गलत थी. अब उसके बाद लास्ट लेवल आता है क्रिएट का. अब हमें समझ आ गया है अगर कि इन्फॉर्मेशन सही थी तो अब हम उससे कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करेंगे. सो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को यूज करके हम डिफरेंट लेवल से हम डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ द स्टूडेंट, डिपेंडिंग अपॉन द एकेडमिक नीड ऑफ द स्टूडेंट एंड डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स. हम क्या कर सकते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट लेवल से ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हैं. अब ब्लूम्स ने हमें इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट एक्शन वर्ब्स भी दिए हैं ताकि हम उनको अच्छे से डिजाइन कर पाए हमारे ऑब्जेक्टिव्स को. जैसे उन्होंने रिमेम्बर पे हमें एक्शन वर्ब्स दिए है, डिफाइन, डुप्लीकेट, लिस्ट, मेमोराइज. ये वर्ड्स हमें क्यों दिए हैं, क्योंकि वी हैव टू मेक सिंपली रिमेम्बर वर्ड जो होता है वो मेजरेबल नहीं होता, या अंडरस्टैंडिंग वर्ड से हम मेजर नहीं कर सकते, स्पेसिफिकली नहीं बता सकते कि हम क्या करने वाले हैं. लेकिन जब हम डिफाइन वर्ड यूज करते हैं तो हम उस चीज को मेजरेबल बना सकते हैं, स्पेसिफिक बना सकते हैं. तो इस तरह के वर्ड्स ब्लूम ने हमें इसलिए दिए हैं ताकि हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो है वो स्मार्ट बन सके. लेट्स लर्न टू राइट नो स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स विद ब्लूम. लेट्स रिकॉल अवर एग्जांपल ऑफ द गोल दैट वी गेव इन द स्टार्ट. इट्स टू लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. लेट्स ब्रेक डाउन इट इनटू ऑब्जेक्टिव्स. सो फर्स्ट कॉग्निशन लेवल इज रिमेम्बर. And the action verbs for this is define, duplicate, memorize, list, state, define, and many more. Let's use them to plan objectives. The first can be like, student will be able to recall the basic equation for photosynthesis and the raw materials required. Second can be like, student will be able to memorize the key structures involved in the photosynthesis such as chloroplast. Now, second level of cognition is understand, and the action verbs for that is explain, describe, interpret, paraphrase, classify, and many more. Let's use them. So first can be like, student will be able to explain the overall process of photosynthesis and its significance in the production of organic components. Second can be like, student will be able to describe how light energy is converted into chemical energy during photosynthesis. Similarly, you can form your objectives from apply, analyze, evaluate, and create cognition level. You can create objectives from different cognition level, or you can skip one or two, or you can create objectives from lower level of cognition or higher level of cognition depending upon the age of the student, standard of the student, and the curriculum requirement. I will provide you with list of action verbs so that you can use them in your lesson plans in the Telegram group, and the link of the Telegram group is in the description. And that's all for today. We will be back with another interesting video soon.
So subscribe our channel and press the bell icon so that you don't miss out any updates. So bye-bye.